अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं हूँ सादिया बाय आर्ट्स। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और मीठी सी चीज़ बनाना सिखाएंगे। अगर वो मीठी सी और ख़ूबसूरत सी और एक पीले रंग की चीज़ के बारे में अगर बताऊँ तो वो है एक फल, फ्रूट, जो कि बड़े ही मज़े तरीके से, बड़े ही मज़ेदार तरीके से माएँ जो हैं अपने बच्चों को खिलाती हैं, और वो है बनाना। बनाना मतलब केला। जब कुछ ना बना हो और बच्चों को बहुत ही भूख सता रही हो तो माएं भी बेचारी क्या करें, जल्दी से बच्चों को केले की चटनी, केले की खीर बना के बच्चों को खिला ही देती हैं। अगर मैं केले की बात करूं तो ये बनाने में बहुत ही आसान है उन लोगों के लिए जो खाने के साथ साथ बनाने का तरीका जानने के लिए भी बेताब हैं। अगर मैं बात करूं केले की तो ये बहुत ही नरम व मुलायम और अल्लाह ताला के रिस्क में से इतनी खूबसूरत चीज़ है कि कोई भी इंसान उसको खाए बगैर रह नहीं सकता। और हम तो जानते हैं कि केला चूंकि हर एक बच्चे बूढ़े के लिए बहुत ही मुफीद है खाने के लिए। अगर आपका पेट खराब हो या कोई भी चीज़ खाने का मन ना करे, दिल ना करे, तो आप जल्दी से एक केला उठाएं, उसको छीलें और आराम सुकून से उसको बैठकर खाएं, तो ये एक बहुत ही उम्दा तरीका होगा। अगर मैं बात करूं इसके साथ ही एक और केले के जुड़ने की, तो ये बहुत ही एक अच्छा और उम्दा तरीका है किसी भी, क्योंकि केले बाज़ार से जाएं तो इसी तरह मिलते हैं कि वो क्यों आपस में जुड़े हुए होते हैं। और अगर मैं बात करूं खाने की, तो माएं हमेशा अपने बच्चों को यही प्रेफर करती हैं कि वो केला खाएं अगर उनके बच्चे दांतों के बगैर हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अभी अगर उनके दूध के दांत नहीं आए और उनकी एज अभी 5 to 6 मंथ्स है। अगर मैं बात करूं शेडिंग की, तो ये बहुत ही उम्दा शेडिंग है, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा। अगर मैं इस तरह इसको शेडिंग करूं बहुत ही प्यार से, बिल्कुल 5-6 महीने के बच्चे की तरह, तो ये बहुत ही उम्दा होगा देखने में। और इस तरह करेंगे ताकि हमारे केले, हमारे बनानास जिस तरह खाने में मीठे हैं उसी तरह देखने में और शेडिंग करने में भी मीठे मीठे नज़र आए। अगर मैं बात करूं केले के बनाने की, तो ये एक बहुत ही अच्छा और उम्दा डिसीजन होगा हर उस शख्स के लिए जो केले को बनाने के साथ साथ खाने में भी शौकीन है, बिल्कुल मेरी तरह।
और मैं चाहती हूँ कि हर कोई इस नर्म मुलायम ग़िज़ा को खाए और इसकी बेशुमार फ़ायदों से फ़ायदा उठाए। फ़ायदे इसके बहुत हैं और आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे। अब मैं शेडिंग इसकी बिल्कुल ही साइड पे कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर इसके एक केला इसके साथ जुड़ा पड़ा है और जब चीज़ कोई एक दूसरे के ऊपर होती है तो क्या कहेंगे कि वो शेडिंग में साथ है। बेसिकली शेडिंग जो है वो एक फन है, एक आर्ट है, एक ऐसा आर्ट जो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान चाहता है कि उसके हाथ में हो और वो इसको सीखे और इसको सिखाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक बनाना तो हो गया है तैयार। शेडिंग ने जैसे बनाना में केले में जान सी डाल दी हो, क्योंकि फन होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे देखने वाला हर इंसान इस वीडियो से, इस फन से फ़ायदा उठाए और अपने फैमिली में सबको सिखाए और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो। डिफरेंट कोर्सेज हैं मेरे पास जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, मैं उन्हें सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हर चीज़ वो जो इस तसव्वुराती दुनिया में उस ज़ात ने रंग भर के पैदा कर दी है। अगर मैं इस बनाना की बात करूं तो अगर ये कंप्लीट हो गया तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ नुमाया हो ही जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जिससे मैं चट से इसको पकड़ूं और खा लूं। क्योंकि ये बहुत ही, और एक और मैं इसकी बात बताती चलूं कि जब एक दफ़ा केले को दरख्त पर उगा लिया जाए तो उस दरख्त को काटना पड़ जाता है और उसके तने के साथ साथ, केले का तो तना होता ही नहीं है, ये बहुत नर्म मुलायम होता है, बिल्कुल ही अपने फल की तरह। अगर हम बात करें, केले को दिल करता है कि फ्रिज में रख कर खाया जाए, लेकिन क्या करें, मदर्स कहती हैं कि अगर केले को फ्रिज में रखा गया तो ये ब्लैक हो जाएगा और जब ब्लैक हो जाए तो फिर खाने को दिल नहीं करता बिल्कुल। आप तो जानते ही हैं कि हर खाने वाला फिर इसको सही खाने के लिए बाहर पड़ा ही खाना पड़ जाता है, क्योंकि अगर ना खाएं तो मैं कहती हैं बाजार में बड़े शौक से लिया था और घर आते ही केले को भूल गए, भाई मेरे पैसे लगवाने थे आप लोगों ने, सो लगवा लिए, क्या
क्या करूं मैं इन बच्चों का। देखिए हमारे किले बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए भी, देखने के लिए भी और सीखने के लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी, बहुत उम्दा और बहुत खूबसूरत लगी होगी। जैसा कि मैं जानती हूँ कि ये फन जो है ये हर एक को आना चाहिए जो अपनी सातवीं हिस रखता है, क्योंकि पांच तो हम यूज़ करते ही करते हैं, छठी वो करता है जो जीनियस होता है और सातवीं वो जो हुनरमंद होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी सातों की सातों हिस यूज़ करें ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और अपने फन को बना सकें सबसे उम्दा और सबसे लजीज और सबसे अलग, क्योंकि लोग मुनफरिदगी को पसंद करते हैं, ना कि एक जैसी चीज को। जमाना ही ऐसा है, हर कोई मुनफरिद रहना पसंद करता है, हर कोई सीखना सिखाना पसंद करता है, हर किसी को अपने काम से लगाव होता है और जब किसी को अपने आप से लगाव हो जाता है, अपने काम से लगाव हो जाता है, इसका मतलब है उसकी कामयाबी की मंजिल शुरू हो ही गई। क्योंकि मंजिलें बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ती, लेकिन जब एक दफा बन जाएं तो जिंदगी सवार देती है, और जब जिंदगी सवर जाए तो हर कोई आपसे पूछने वाला होता है, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। लेकिन उससे पहले मेहनत दरकार है, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी कामयाबी की कुंजी है जो इंसान को सबसे अलग थलग रखती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला होगा, बल्कि जो हमारी रवायात में, हमारी सोसाइटीज़ में चीज़ें बेस करती हैं, मैंने उन पर ज़रा रोशनी डालने को अहमियत दी। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, मेहनत करे और हर उस चीज़ को पीछे छोड़ दे जो उसकी राह में रुकावट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। और एक मज़े की बात और कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, वो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं आपके साथ जुड़ी रहूं और आपको इसी तरह मीठे मीठे खट्टे मीठे फल सिखाती रहूं और ढेर सारी बातें आपसे करती रहूं। चलें जल्दी से फिर बेल आइकन पर क्लिक कर दें और
बेल आइकन पे क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस जो मेरी नई आएंगी आपको मिलती रहेंगी। और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं ये चाहती हूं कि मेरे साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार करें ताकि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो तब आप भी बहुत कुछ सीख चुके हों। अल्लाह हाफिज़। आइंदा आने तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखें अपना, खुशबाश रहें और अपनी फैमिली से जुड़े रहें, क्योंकि फैमिली एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।